हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर में 22 साल के दलित युवक की मुसलमानों ने भीड़ बनकर हत्या कर दी क्योंकि वो मुसलमान लड़की से प्यार करता था। बाड़मेर में एक दलित युवक द्वारा एक मुसलमान लड़की से प्यार करने को इतना बड़ा गुनाह करार कर मुस्लिमों ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बाड़मेर जिले के भिंडे का पार गांव के 22 साल के दलित युवक खेतराम भील की मुसलमानों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। पुलिस का कहना है कि 22 साल के दलित युवक की इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि उसका एक मुस्लिम लड़की से प्यार प्रसंग चल रहा था और खेतराम भील की पिटाई से पहले दोनों हाथ और पैर बांध दिए गए थे, उसके बाद पीट पीट कर मार दिया गया। थाना रामसर में स्थापित ये मेकन वाला एक गांव है, छोटा गांव है, वहाँ मिली जुली जो मिक्स कम्युनिटी है उनकी ढाणियाँ बनी हुई है। मुस्लिम परिवार है, उनके पिता का देहांत हो चुका है, 4 बच्चियाँ हैं उस घर में, माँ और दादी पालती हैं बच्चियों को, उसमें 3 विवाहिता है, 1 अविवाहित है। उनकी ज़मीन पर ईंट का भट्टा बना हुआ है जो भील जाति वालों का है, उन्होंने उस पर लीज पे ले रखा है या कॉन्ट्रैक्ट पे उस पर ईंट बनाने का कार्य करते हैं। जो भट्टा मालिक है हीरा भील एवं उसका छोटा भाई मृतक खेताराम, ये उसी भट्टे पे काम करते थे। मृतक खेताराम यद्यपि विवाहित है, उसके बच्चे भी हैं, लेकिन उसका संपर्क इन युवतियों से हुआ, ठाणे की मुस्लिम युवतियों से हुआ। 2 वर्ष पूर्व से शायद ये चला आ रहा है हमारे सामने, लगभग ऐसी अवधि आ रही है, और पूर्व में इनकी पंचायती भी इनके मध्य हुई है। अभी हालिया उनकी जो जवाइयों को पता चला इस बात का कि भाई भील जाति का युवक जो है बाहर से आकर के और हमारी युवतियों के साथ में संबंध बनाता है, तो उन्होंने उसको बुला करके, धोखे से बुला करके उसकी साथ पिटाई की, फैटल इंजरीज होने की वजह से उसकी मृत्यु कारण हो गई। कब पता चला और कैसे पता चला कि लास्ट? मैंने तो पता, मैं तो सो गया था 5:30 बजे पहले, 4 बजे पहले सो गया था, तो सुबह 5 बजे में जगाया वो एक आयात खान, वो मेरे भाई हीरा राम, उसको जगाया। अच्छा, उसको जगाया के सद्दाम ने हीरा राम को बोला कि चोरन मारपीट करे, वहाँ पे चला गया। अच्छा, इतना मैं सुना। अच्छा, फिर उसके बाद में कैसे दिखा आपको? उसके बाद मेरे को ही कोई दिखाई नहीं। फिर वो उसकी बॉडी कहाँ मिली आप? बॉडी तो वहाँ ये ढाणी पे मिली है। कौन सी ढाणी, किस जगह पे बताओ? वो ढाणी बचला खान की ढाणी नागर पार है। अच्छा, उस ढाणी में मिली। कहाँ पड़ी थी आप बताओ? अभी अपन खड़े हैं आप यहाँ पर, तो ये वही झुंपे में ही अंदर है ये अपना नीचे बल्ली के नीचे नीचे पड़ी थी, मिली है। अच्छा, तो ये इस जगह पर वही पहले हमारे को कोई अंदर घुसने नहीं दिया पहले। पुलिस आने के बाद बॉडी उठाई, मैं उठा के लेके। अच्छा, जब बॉडी आपने देखी थी उसकी क्या क्या टूटा हुआ ऐसा पता चला कुछ? मारा किस तरीके? कोई शरीर बाकी नहीं है मारा बगैर, मतलब क्या चैन से या लाठी से? भाई कुछ मैं खुद देखी, चश्मे तो देखी नहीं है, पर लाठी में मारा है, चैन में मारा, निशान तो चैन का लगा हुआ है। अच्छा, पैर वैर टूटा हुआ? पूरी तरह पीटा है, एक आधो पैर पर टूटा हुआ है। अच्छा, एक पैर, मतलब चेहरे पर भी निशान होंगे? चेहरे को निशान है ही नहीं। अच्छा, चेहरे के निशान बिल्कुल नहीं। अच्छा, खेताराम भील गांव मेकन वाला ग्राम पंचायत भिंडे का पार। अच्छा, क्या लगते थे आपके जो डेथ हुई? हाँ, खेताराम मेरे भाई हैं। अच्छा, क्या हुआ था, पूरी घटना बताओ आप। घटना यही है सर, हम लोगों ने वो मुसलमान का खेत किराए पे लेके बैठा के ईंट बैठा, वो 3-4 लाख ईंट हैं, वो 15-20 लाख का माल है मिनिम, ठीक है। तो हमारे राजी खुशी से जो था तब हमने धंधा किया है, ठीक है, हमारे को मैं गुजरा ठेकेदार करता हूँ, ये छोकरा इधर धंधा का लड़का कर रहा था, तो आना जाना था, आना जाना से कोई अपने को पता होता तो माने नहीं देते, वैसे कोई वजह से इसने बुला के और रात को इसकी घटना कर दी। फिर आपको कब पता पड़ा? हमारे 6 बजे सुबह। सुबह किसने बताया आपको? वो हयात खान और सद्दाम खान मुझे बुलाने के, हीरा राम बाहर आओ, तो मैं भाई आप अंदर आ जाओ क्या, हमारे को राजी खुशी थी। तब उसने मेरे घर पे आया, मैंने भाई आपका घर, हम भाई हमारे घर आए थे और हमने वो बांध के मारपीट करके सद्दाम बताया उसकी हमने खत्म कर दिया, उस ढाणी पड़ा इतना कह के वो भाग गए, तो हम मैं उस पीछे नहीं गए, दो मेरे भाई छोटे गांव के लोग थे उसको फलान ढाण देख के आओ, वो छोरे वहाँ गए, उस मरता उसको हम देखा, तो हम थाने आए, पुलिस इतला की और प्रशासन सरकार अभी तक अपने सहयोग में है,
कुछ चोर पकड़े भी हैं, तीन चार चोर मेन हैं जो एक वो अमरिया है, वो पांधी के पार का वो मेन योजना बनाने वाला अमरिया है। अमरिया भली पांधी के पार जो इतने अपने बाड़मेर जिले में बदमाश गांव पांधी के पार है, पांधी के पार के जो भी मुसलमान सरपंच वगैरह सभी के सभी वो उसके पक्ष में है और उसकी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यूनुस खान से मिलने गए, कुछ भी मर्डर वाला बचेगा कभी? और यहाँ इधर अकबर है सदाम है, वो भी पकड़े नहीं गए। अभी मैं रामसर था और डिप्टी साहब सीए साहब भवन सिंह जी सब उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा सरकार से और प्रशासन से ये अनुरोध रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मेहनत करें, हम गरीब लोग हैं। हमारी यहाँ बावली चेतन है 99% मुसलमान लोग हैं, 1% हम हैं, आप देख रहे हो, इसमें कहने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और आप ज़्यादा में ज़्यादा प्रयास करके और चोरों को क्या कह रही पुलिस कह रही हम करेंगे संबंध थे कोई भाई औरत समेत हमारे को पता नहीं था। उस लोगों ने माल हड़पने की वजह से किसी लड़की से फोन करवाया, ये बात हम मानते हैं, वो करवाया उस वजह से उसने योजना बनाई। गैंगस्टर थे, लड़की से फोन करवा बुलाया, हाँ लड़की से फोन करवा के बुलाया और उसने गैंगस्टर बना के उसको मार दिया गड़ा घोट। अच्छा अभी आपकी पुलिस से बात हुई होगी, पुलिस क्या कह रही है? कितने पुलिस कह रही कि हमारा अमरिया शाम तक हम पकड़ेंगे और आप संतुष्ट रहो। मैंने कहा यार सद्दाम और अकबर तीन चार बक्का शौकत चार वो जो गैंगस्टर छोरे को मारने वाले उसको तो आप पकड़ो। अच्छा आप क्या बीजेपी में क्या पद पे हैं? मैं बीजेपी 2003 से मैं कार्यकर्ता हूँ पक्का बीजेपी का, और अभी मैं 3 साल से मैं भाजपा मंडल अध्यक्ष हूँ एसटी मोर्चे से रामसर का। अच्छा बाड़मेर से जागरूक टीवी के लिए दुर्ग सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट।